जो भारत माता को नहीं मानेगा मुझे देश द्रोहियों का वोट चाहिए ही नहीं। उनको दूसरा देश मिल गया, वो दूसरे देश में चले जाएं। अगर यहाँ रह रहे हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके वोटिंग राइट को समाप्त कर दिया जाए। जो भारत माता को नहीं मानेगा वो देश द्रोही ही माना जाएगा। आजकल एक दौर चला हुआ है भाई, देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले लो ले लो, जो देंगे वो देशभक्त, जो नहीं देंगे वो देशभक्त नहीं। सब आप मतलब हद है, अद्भुत है। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, सब लोगों ने बलिदान दिया। हाँ, लेकिन आरएसएस वालों ने नहीं दिया। एनडीए के कोई विधायक है, नीतीश जी के बीजेपी के कोई विधायक है, उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों से जो है वोटिंग राइट ले लो। सब आप मतलब हद है, अद्भुत है। इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख है, ईसाई हो, सब लोगों ने कुर्बानी दी है, बलिदान दिया। हाँ, लेकिन आरएसएस वालों ने नहीं दिया। ये तिरंगा की बात करते हैं। 2001 के बाद से झंडा फहराया गया नागपुर में, बात करते हैं तिरंगे की, जय हिंद की। क्या बकवास बातें महोदय, ऐसा एक बार लोग भूल गए, लोगों को याद दिलाना पड़ेगा कि यही बिहार की धरती है जहां अडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। और महोदय, अभी लालू जी के सिपाही लोग खड़े हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, कुछ गलत कहा ही नहीं। और हम ये बताना चाहते हैं कि किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो मुसलमान भाइयों से उनका अधिकार छीन सके, किसी में हिम्मत नहीं है। लेकिन ताजुब होता है धर्म निरपेक्षता का चोला पहने हुए सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, अब मुख्यमंत्री जी बस बैठे हुए ताली छिपा रहे, चुप बैठे। मुख्यमंत्री जी, आप हमको कहे थे ना आरएसएस वाला खतरनाक है, आज ये खुले हम ही लोग कर रहे हैं आपके रहते हुए। आप तो बात की बात करते थे, आप ये प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा क्या किसी भी संस्था का नाम। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस माननीय कौन बोला नहीं बोला हम तो जानते नहीं है उसको, लेकिन शहनवाज भाई, आपका वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा, आप भी चुप बैठे। अरे आप वोट नहीं दे पाओगे? अरे मुख्य सचिव बिहार के कौन है? मुख्य सचिव से बिहार का वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा, अद्भुत है। अध्यक्ष महोदय, हमारा पार्टी बाद में बोले, पार्टी के नाम मेंशन किया,